हेलो दोस्तों, टेक्निकल मैप चैनल में वापस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर से मैं आपको दिखाने वाला हूँ फेसबुक अकाउंट परमानेंट आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप टेम्परेरी डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। सिंपली उसके लिए आपको फेसबुक ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऊपर सेटिंग दिख जाएगा, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर आपको अकाउंट सेंटर दिखेगा, आपको सीधा पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको नीचे आना, दोबारा से आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। फिर आपको नीचे आप देख सकते हैं अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे दिख जाएगा डीएक्टिवेशन एंड डिलेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको अपने अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे कि देख सकते हैं मेरा मैफ आलम है, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप डीएक्टिवेट अकाउंट करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट पे क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं डिलीट अकाउंट परमानेंट जो है, आप इस पर चेक करके आप कंटिन्यू करके परमानेंट अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि अपना अकाउंट आप क्यों डिलीट करना चाहते हैं, इसमें से कोई एक रीज़न आप दे दीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैं नीचे वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोबारा से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस है, आप चाहे तो डीएक्टिवेट अकाउंट कर सकते हैं, या फिर आप यहां से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है फेसबुक की, यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहां से डिलीट करने वाला हूं। ब्लू लिंक ऐप, जो ऐप आपने लिंक कर रहा है फेसबुक व्हाट्सएप, यहाँ से आप देख सकते हैं वो। तो मैं अकाउंट पर क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पे फेसबुक पासवर्ड डालना होगा, जो कि आपको याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे परमानेंट अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 30 दिन तक अगर आप अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन नहीं करते हैं तो अपने आप ही ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। बस आपको डिलीट पे क्लिक करना होगा। अगर उससे पहले आपको अकाउंट चाहिए तो उससे पहले आप अपनी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, आपको अकाउंट दोबारा से मिल जाएगा। अब यहाँ से मेरा अकाउंट हो चुका है डिलीट। तो इस तरह से आप फेसबुक अकाउंट परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।